हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लवी किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेसन और पनीर का चीला। तो चलिए हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 40 ग्राम पनीर। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए पनीर को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पनीर को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हमें चाहिए ये बड़ी वाली कटोरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने पनीर ग्रेट किया हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधी प्याज, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये छोटा सा मैंने टमाटर कट किया है। अगर आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं टमाटर। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है। इस तरीके से इसको क्रश कर देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। इस तरीके से मिलाना है इसको। ये देखिए हमें इस तरीके का बैटर चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज्यादा पतला। अब मैं गैस को ऑन करूंगी। अब इस पे रखेंगे एक तवा। तवे को थोड़ा सा हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए दोस्तों तवा एकदम गर्म हो चुका है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो यहाँ पे ऑयल कम यूज होगा, बट मेरे पास ये लोहे का तवा है तो थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगता है। अब हम ये बैटर जो बनाया था मैंने इसको इस पे डालेंगे। और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे देख लेते हैं। अब इसे ऐसे इस तरीके से छुड़ा के ऐसे पलट देंगे, फिर इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये चीला हमारा तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे चीले को भी तैयार कर लेते हैं। इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट हो गया, इसे भी चेक कर लेते हैं। अब हम इसे पलट देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। ये चीला भी रेडी हो गया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए चीला हमारा बन के तैयार है। ये बहुत हेल्दी होता है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी है और ये जल्दी से बन जाएगा। ये बहुत हेल्दी है। आप अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप इसको बना के सुबह के नाश्ते में कम तेल में नॉन स्टिक पैन बना के खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।